आजकल फेसबुक खोलती हूँ तो देखती हूँ कई छोटे मोटे सेलर्स, खासकर महिलाएं, लाइव वीडियोस के जरिए अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है। जब इंडिया में ई कॉमर्स कंपनियां आई तो कस्टमर्स के लिए तो खरीदारी के कई नए तरीके खुले, मगर आजकल सेलर्स के लिए भी अपने सामान बेचने के नए स्कोप खुल गए हैं। हाय, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं योर स्टोरी की सीरीज अश्वमेध। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेस की। इसके लिए छोटे सेलर्स ने व्हाट्सएप का सहारा लिया। व्हाट्सएप से दुकानदारों को आसानी तो हुई, लेकिन ये काम काफी थकाऊ होता था। एक एक सामान की फोटो खींचकर स्टेटस पर लगाओ, ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी बॉय का इंतजाम करो, सामान पहुंचाओ और कमाई उतनी की उतनी। दिक्कत ये थी कि इस पूरे काम को करने के लिए उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था। कहते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए हर परेशानी एक मौका होती है, और ये परेशानी भी दो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बन गई मिलियन डॉलर आइडिया। हम बात कर रहे हैं मीशो की। मीशो एक सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे मुख्यतः छोटे नॉन ब्रांडेड रीसेलर्स के लिए बनाया गया है। ये ऐप बिना पूंजी लिए छोटे दुकानदारों को अपनी ऑनलाइन दुकान खोलने में मदद करती है। आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने वाले विदित आत्रे और संजीव बंडवाल ने 2015 में इसकी शुरुआत की। दोनों ने 2008 से 2012 तक बीटेक पूरा करने के बाद नौकरी शुरू कर दी थी। विदित इनमोबी में काम कर रहे थे और संजीव जापान में सोनी के साथ काम कर रहे थे। जून 2015 में एक दिन अचानक विदित के पास संजीव का फोन आया। संजीव ने बताया कि उनका इंडिया वापस लौटने का मन है और वो एक स्टार्टअप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। क्या वो एक बार उस स्टार्टअप के बारे में पता लगा सकते हैं? उधर विदित खुद एमबीए शुरू करने की तैयारी में थे और तब तक कहीं ना कहीं उनके मन में अपना कुछ शुरू करने का आइडिया घर कर चुका था। संजीव के फोन ने जैसे विदित के मन में पल रहे आइडिया को और फोर्स दे दिया। संजीव की बात सुनकर विदित ने कहा, अगर तुम्हें स्टार्टअप ही ज्वाइन करना है तो दूसरे की कंपनी में क्यों जाना, हम अपना कुछ शुरू करते हैं। क्योंकि दोनों बैचमेट भी थे और हॉस्टल में साथ रहते थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक दूसरे पर भरोसा था। फिर क्या था, संजीव विदित की बात एक झटके में मान गए और दोनों ने अगले ही पल अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। दोनों ने नौकरी तो छोड़ दी मगर आइडिया का कुछ अता पता नहीं था। बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उस आइडिया पर काम करेंगे जिसमें लंबे समय तक बिजनेस बनाने का दम हो, जिस आइडिया से दोनों कनेक्ट करते। विदित और संजीव दोनों ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे। उन्होंने भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों रिटेल दुकानों से चीजें खरीदी थी, इसलिए दोनों ने सोचा क्यों ना इस छोटे बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने का काम किया जाए। उन्होंने पाया कि इंडिया का 80-85% रिटेल बिजनेस अव्यवस्थित है। जो बिजनेस ऑनलाइन थे वो या तो ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के थे या फिर फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स या वाइट गुड्स के थे। आसपास गली मोहल्ले की दुकान अभी भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इस तरह दोनों ने इसी आइडिया पर काम करने का फैसला किया। दोनों बेंगलुरु में कोरमंगला और एचएसआर में छोटे दुकानदारों के पास जाते और उनसे पूछते कि उनके बिजनेस में सबसे बड़े परेशानी क्या है। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अगर हम आपकी दुकान को ऑनलाइन ले आए तो क्या आप अपने ऑडियंस को ऑनलाइन ले आएंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकर विदित और संजीव ने फैशनियर की शुरुआत की, यानी फैशन नियर बाय। इस ऐप पर सभी नॉन ब्रांडेड यानी छोटे फैशन शॉप्स मौजूद थे। यूजर ऐप से कोई भी 3 प्रोडक्ट चुन सकते थे और घर पर ट्राई करके जो प्रोडक्ट पसंद आए उसे रखकर बाकी प्रोडक्ट वापस कर सकते थे। 3-4 महीने काम करने के बाद उन्हें समझ आया कि लोग कपड़े खरीदते समय क्वालिटी देखते हैं और लोकल दुकानों के साथ ये चीज सुनिश्चित करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा रीसेलर भी अपना दायरा तेजी से बढ़ाना चाहते थे, तो सिर्फ स्थानीय दायरे में अपना सामान नहीं बेचना चाहते थे। अंत में दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बिजनेस तो नहीं चलने वाला, मगर इससे दोनों को एक बड़ी सीख मिली। उन्होंने शुरुआत तो छोटे बिजनेसेस को नजर में रखते हुए की, मगर कस्टमर्स पर ध्यान देना भूल गए। दोनों एक बार फिर दुकानदारों से बातचीत करने जमीन पर उतरे। दोनों दुकान दुकान जाते और शॉपकीपर से बात करते। कई दिनों तक उन लोगों के बीच रहते हुए उन्होंने एक चीज नोटिस की, लगभग हर दुकान अपने कस्टमर से उनका व्हाट्सएप नंबर मांग रही थी ताकि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके उन्हें प्रोडक्ट सीधा घर बैठे दिखा सके। कस्टमर बिना दुकान पर आए सीधे घर से ही ऑर्डर कर सकते थे। विदित और संजीव इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मॉडल कई दुकानदार इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, मगर अभी भी कई छोटे दुकानदार इससे काफी दूर हैं और इसे लागू करने के लिए जूझ रहे हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सामने भी कई दिक्कतें हैं, जैसे एक साथ कई कस्टमर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पाना, पेमेंट कलेक्शन, सारे ऑर्डर्स की डिटेल रजिस्टर में नोट रखना, ये सारा काम बहुत टाइम खपाऊ होता था। और यहीं से दोनों को एक नया बिजनेस आइडिया सूझा। दोनों ने सोचा कि अगर एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो इन सभी परेशानियों का वन स्टॉप सॉल्यूशन हो तो काम बन सकता है। इस तरह 2015 के आखिर में फैशनियर का नाम बदलकर उन्होंने उसे मीशो कर दिया, यानी मेरी शॉप। मीशो ने ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस को बेहद किफायती और आसान बना दिया।
इस प्रोडक्ट को फैशनियर के मुकाबले अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे इतना तो तय हो गया कि इसमें कुछ दम है। विदित और संजीव ने अपने यूजर्स से मिलकर उनके इनसाइट जानने का फैसला किया, ताकि आगे का रोड मैप डिसाइड कर सके। जब उन्होंने अपने कस्टमर्स की प्रोफाइल तैयार की तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी ज्यादातर यूजर औरतें हैं। ऐसी औरतें जो अपना कुछ करना चाहती थी मगर पूंजी नहीं होने की वजह से बिजनेस शुरू नहीं कर पा रही थी। ये औरतें मुख्यतः रीसेलिंग का काम करती थी, मगर मीशो के आने से उनके लिए बिना पूंजी के भी बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया था, जिससे विदित और संजीव को काफी प्रोत्साहन मिला। फाउंडर्स ने अपने कंज्यूमर्स की शिकायतों, उनके सुझावों पर काम करते हुए मीशो का बिजनेस मॉडल डेवलप किया है। आज की तारीख में कोई भी बिना कैपिटल लगाए मीशो पर अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर सकता है। मीशो छोटे दुकानदारों और मैन्युफैक्चरर्स को देश भर में ऑर्डर डिलीवर करने, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन से लेकर रिटर्न की सर्विस भी देता है। कुल मिलाकर ये सप्लायर रीसेलर और कस्टमर्स के बीच ब्रिज का काम करता है। मीशो सप्लायर्स को उनकी इन्वेंट्री मैनेज करने में भी मदद करता है। इस सर्विस के बदले वो मैन्युफैक्चरर्स या रीसेलर्स से हर बिक्री पर कुछ हिस्सा कमीशन फीस चार्ज करता है। अगर फैशनियर से लेकर मीशो तक मीशो के सफर को देखें तो दोनों फाउंडर्स ने कस्टमर के फीडबैक, उनकी इनसाइट को बहुत प्रायोरिटी दी और आज भी ये कंपनी के कोर वैल्यूज में शामिल है। कंपनी को ज्वाइन करने वाला हर शख्स सीनियर से लेकर जूनियर लेवल तक अपने कुछ कस्टमर्स से बात करना उनके लिए कंपलसरी है। कंपनी इसे लिसन और डाय कहती है। विदित शुरू के 5 सालों तक अपने टॉप कस्टमर्स के साथ खुद इंटरेक्ट करते थे। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जहां वो अपनी हर तरह की शिकायत सीधा विदित से करते थे। इस तरह उन्हें लगातार अपने टॉप यूजर्स से सीधे इनसाइट मिलती और वे उसी हिसाब से ऐप को डेवलप करते जाते। ठीक वैसे ही जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट या अन्य ई कॉमर्स साइट कमीशन लेती है, उसी तरह मीशो भी सेलर्स से कमीशन लेता है। कंपनी कुछ चुनिंदा कैटेगरीज में सप्लायर्स से 0% कमीशन लेती है। उन कैटेगरी में रीसेलर से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इनके अलावा मीशो लॉजिस्टिक सर्विस, एडवर्टाइजमेंट और कस्टमर डेटा के जरिए भी कमाई करती है। कंपनी के लिए फंडिंग के रास्ते शुरू से ही खुले। शुरू होने के अगले ही साल यानी 1 मार्च 2016 को सीड राउंड में वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े इन्वेस्टर से $120,000 की फंडिंग मिली। 2 साल बाद 2018 में सिकोया ने $11.5 मिलियन का निवेश किया। इसी क्रम में वो 2019 में मेटा यानी फेसबुक से निवेश पाने वाली पहली इंडियन स्टार्टअप बन गई। मेटा ने मीशो में $25 मिलियन का निवेश किया है। अप्रैल 2021 में सॉफ्ट बैंक विजन फंड से $300 मिलियन की फंडिंग पाकर कंपनी का वैल्यूएशन $2.1 अरब के पार हो गया और कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। मीशो ने लैटिन अमेरिका के टॉप सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म एलिनास में 2 बार कुल $8 मिलियन का निवेश किया है। मीशो के रीसेलर्स की कैटेगरी में ज्यादा हिस्सा फैशन सेगमेंट से ही आ रहा था, मगर जैसे ही लॉकडाउन लगा मीशो की दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि कपड़े एसेंशियल कैटेगरी में शामिल नहीं थे। मगर इस मुश्किल समय में भी मीशो रीसेलर्स के लिए जो बन पड़ता था वो किया। मीशो ने रीसेलर्स को मास्क, सैनिटाइजर और ग्रोसरी तक बेचने की सलाह दी। जिनके पास कैपिटल नहीं थी उन्हें बिना स्क्रीनिंग ₹5,000 तक का लोन दिया। मीशो का दावा है कि इस दौर ने कस्टमर के साथ उनके रिश्ते और मजबूत किए हैं। ग्रोसरी बेचने के लिए तो मीशो ने लॉकडाउन लगने के कुछ ही दिनों बाद 2020 में फार्मेसियों की शुरुआत की। इसका इकलौता मकसद ये था कि सेलर्स खाली हाथ न बैठे। कोविड खत्म होने के बाद रीब्रांडिंग प्रोग्राम के तहत कंपनी ने अप्रैल 2022 में इसका नाम बदलकर मीशो सुपर स्टोर रख दिया और इसे मीशो प्लेटफॉर्म के साथ ही मर्ज करने का ऐलान कर दिया। लेकिन मीशो के सामने अकेले महामारी ही चुनौतियां नहीं लाई थी। मीशो पहले से ही हाई कैश बर्न, नो प्रॉफिट और अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर से कंपटीशन जैसी 3 बड़ी परेशानियों से जूझ रही है। मीशो का रेवेन्यू कोविड के बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में सुधरा, मगर घाटा और ज्यादा बढ़ा है। 2020 में करीबन 307 करोड़ और 2021 में 498 करोड़ से ऊपर का घाटा हुआ। मीशो के सामने इस समय कंपटीशन भी बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी तभी सोशल ई कॉमर्स फील्ड में अकेली थी, मगर आज इसे मैजेंटो, सिमसिम, शॉप 101, ग्लो रोड, डील शेयर, वॉल्यूजन जैसे कई स्टार्टअप से चुनौती मिल रही है। इसके अलावा एक और नई परेशानी जो मीशो के सामने उभरी है वो है नकली प्रोडक्ट्स की शिकायत। प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर्स की तरफ से लगातार नकली प्रोडक्ट मिलने की शिकायत आ रही है। मीशो के नाम पर ही कई फर्जी वेबसाइट बनाकर सामान बेचने की खबरें आई हैं, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। ये मामले तो हाईकोर्ट तक जा चुके हैं, मगर राहत की बात यह है कि फैसला कंपनी के हित में रहा है। मीशो ने 2022 तक 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हासिल करने का टारगेट रखा था, जो जून 2022 तक उसके पास पहले से थे। हालिया फंडिंग से मिले पैसों का वो टेक्निकल और प्रोडक्ट स्किल सामान की कैटेगरी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अगले 1-2 सालों में शेयर बाजार में लिस्ट होने की भी प्लानिंग कर रही है। हालांकि कंपनी के सीईओ विदित आत्रे ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि मीशो इंडियन बाजार में लिस्ट होगी या अमेरिकी बाजार में। हाँ, मगर उन्होंने ये जरूर कहा है कि कंपनी उस समय तक प्रॉफिटेबल होने की तरफ काम करती रहेगी।
तो ये था आज का अश्वमेध का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।